बरपा हो गया जब कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलिस्तान जौहर साथ ही गुलशन इकबाल गुलजार हिजरी और दीगर इलाके शामिल थे वहां पर जलजले के मामूली झटके महसूस किए गए। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत महसूस की गई है वो 3.6 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन खतरे की घंटी कराची वालों के लिए बजी जरूर है। सूरत हाल क्या है इस वक्त जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीर ज़ादा से। जुल्फिकार पीर ज़ादा तफसीलात से आगाह कीजिएगा, सूरत हाल इस वक्त क्या है और आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? रिमशा में इस वक्त जामा कराची के बाहर मौजूद हूँ। 10:44 पर जो जलजले के झटके महसूस हुए, खासतौर पर जिन इलाकों में ये झटके महसूस हुए वो गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल और गुलजार हिजरी सुपर हाईवे के साथ वाली ये पट्टी है जहाँ पर ये जलजले के झटके जो है वो लोगों ने महसूस किए हैं। शिद्दत जो रेक्टर स्केल पर मालूम हुई उसके अंदर बताया जा रहा है कि 3.6 थी और जो कि 10 सेकेंड ये जलजले के झटके महसूस हुए। हमारे यहाँ पर जामा कराची के स्टूडेंट से बात हुई है, उनका ये कहना था कि वो जब स्कूलों में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे तो इस दौरान जो है वो जलजले के झटके उन्होंने महसूस किए। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे थे जिस टाइम ये जलजले के झटके महसूस। हमारी असल में क्लास हो रही थी जिस टाइम ये हमें झटके महसूस हुए, तो हमारी टीचर भी क्लास से चली गई क्योंकि बहुत बुरे जलजले के झटके थे, अफरा तफरी का माहौल था और इसके बाद हम लोग दोबारा जिस टाइम ये झटके आए आपने क्या किया? हम लोग बस यही अफरा तफरी के आलम में क्लास से बाहर चले गए। जी हम लोगों को बहुत ही डर लग गया था और हम लोग जो है फ़ौरन से भाग गए थे और फिर दोबारा क्लास में गए भी नहीं, टीचर्स भी फ़ौरन भाग गए थे, कोई भी क्लास में नहीं था, सब चीज़ें अपनी वहीं छोड़ के चले गए थे। बहुत तो ये देखिए ये स्टूडेंट से हमारी बात हुई, इनका ये कहना था कि जिस टाइम जो है वो जलजले के झटके महसूस हुए हैं तो ये अपनी क्लासों से बाहर निकल आए थे और फिर आप थोड़ी देर के बाद मामूल पर जब आए हैं तो फिर इन्होंने दोबारा अपनी क्लासेस ज्वाइन की। जी सही। अच्छा जुल्फिकार पीरज़ादा ये बताएगा कि जिन जिन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान के हवाले से किसी किस्म की कोई इत्तला मौसूल हुई कि कहीं दीवारों पर दरारें पड़ी हो या कुछ इस किस्म की सूरत हाल देखने में आई हो? देखिए रिमशा ये जलजले के झटके जो है वो गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ के एरिया में महसूस हुए थे मगर इंतहाई मामूली नोयत के थे। 10 सेकेंड जो है वो जलजले जो है ज़मीन हिली है मगर इस दौरान अब तक जो है वो कहीं भी इन इलाकों से किसी किस्म के किसी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरज़ादा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस वक्त जामे कराची में मौजूद थे जहाँ पर तलबा ने जलजले के झटके महसूस किए गए, खौफ के आलम में क्लासों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज़ इस्लामाबाद के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 रिकॉर्ड की गई है जबकि इसका मरकज़ कराची में 12 किलोमीटर जेर ज़मीन था, लेकिन खुशकस्मती से जिन जिन इलाकों में जलजले के ये झटके महसूस किए गए हैं वहाँ पर किसी किस्म का जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ।